वैसे तो दुनिया भर से हर रोज कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं, बहादुरी की खबरें सुनने को मिलती हैं, जिसे सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही नहीं समझ आ जाता कि उन लोगों ने ऐसी बहादुरी दिखाने की हिम्मत कहां से जुटाई होगी, और हाथ अपने आप उनको सलाम करने के लिए उठ खड़े होते हैं। आज हम ऐसे ही एक 2.5 साल के बच्चे के परिवार की बहादुरी के बारे में बात करेंगे। आप सभी को इंटरनेशनल खबरी का प्रणाम, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज प्लीज लाइक, शेयर और दोस्तों के साथ जरूर बांटिएगा, ताकि बहादुरी का किस्सा और भी लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और दबाइएगा नोटिफिकेशन वाली घंटी। तो आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि खबर क्या है। गुजरात के सूरत में एक 2.5 साल के बच्चे के, जी हाँ 2.5 साल के बच्चे के अंगदान उसके परिवार ने किए हैं। जश ओझा नाम के 2.5 साल के बच्चे के ब्रेन डेड होने के बाद उसके परिवार ने यह फैसला लिया कि उसके लिवर, फेफड़े और किडनी और आंखें दान कर दी जाएं। उसके हार्ट को एक रशिया के बच्चे में और उसके फेफड़े को यूक्रेन के एक बच्चे में लगाया गया। बता दें कि जश ओझा के जो पिता हैं संजीव ओझा, वो गुजरात के सूरत में एक स्थानीय पत्रकार हैं, और उनके परिवार द्वारा इसकी सहमति दिए जाने के बाद उनका बच्चे का अंगदान कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 9 दिसंबर को जश एक पड़ोसी के घर में खेलते हुए दूसरी मंजिल से गिर गया और उसके सर पे गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद वो बेहोश हो गया और उसे सूरत के भटार स्थित अमृता हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां उसे एडमिट कराया गया। सीटी स्कैन और एमआरआई रिपोर्ट के बाद ब्रेन हैमरेज की वजह से दिमाग में सूजन होने की बात सामने आई थी, लेकिन 14 दिसंबर को जश को डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया, जिसके बाद जश के परिवार ने उसके अंगदान करने का एक बहुत ही ज्यादा साहसी और हिम्मत से भरा फैसला लिया। हालांकि उस समय गुजरात में किसी भी बच्चे को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं थी, कोई भी बच्चा वेटिंग लिस्ट में मौजूद नहीं था। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ने मुंबई में संपर्क किया, लेकिन वहां भी बी पॉजिटिव ग्रुप का कोई मरीज नहीं मिला। हालांकि बाद में चेन्नई के MGM अस्पताल में संपर्क किया गया, जहां पे पता चला कि 2 विदेशी बच्चे जो हैं जश के ब्लड ग्रुप से मैच करते हैं और उनका इलाज चल रहा है। और फिर ये फैसला लिया गया कि एक बच्चे को हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाएगा और दूसरे को जश के फेफड़े लगाए जाएंगे। जरा सोचिए, हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हर कोई एक दूसरे का नुकसान करना चाहता है, हर किसी को परेशान करने में लगा हुआ है, लेकिन ऐसी कहानियां आपका मनोबल बढ़ाती हैं, हमारा मनोबल बढ़ाती हैं और बताती हैं कि दुनिया में अभी भी अच्छाई जिंदा है। तो अगर आपको भी दूसरों की हुई कोई मदद या दूसरों को इंस्पायर करने वाली या मोटिवेट करने वाली कोई कहानी हमसे शेयर करनी हो, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी हमें ज़रूर बताएं, ताकि दूसरे लोग पढ़ें और मोटिवेट हो सकें। फिलहाल इंटरनेशनल खबरी आपसे लेता है विदा, और आज के लिए इतना ही, और बने रहिए एशियानेट न्यूज़ हिंदी के साथ, और चैनल को करिए सब्सक्राइब और दबाइए नोटिफिकेशन वाली घंटी। नमस्कार।